विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, असत्य पर सत्य की विजय। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद लोगों ने घर में घी के दीपक जलाए। भगवान के आगमन पर तमाम प्रथाओं का प्रचलन शुरू हो गया। कहीं दीप जलाए गए तो कहीं पर गीत गाए गए, रामलीला का मंचन भी हुआ। मगर विजयदशमी पर बुंदेलखंड में एक अलग ही परंपरा है, यहाँ पर लोग पान खाते हैं। दरअसल पान यानी बीड़ा खाने का रिवाज यहाँ बड़ा पुराना है। कहते हैं कि चंदेल वंश के शासक आल्हा उदल के समय से बीड़ा चबाने का रिवाज रहा है। यहाँ दशहरे में घर पर आए अतिथियों का पान सुपारी खिलाकर स्वागत किया जाता है। इस रिवाज पर हमने कला समीक्षक विनोद अमनी से बात की। ये बुंदेलखंड में ये रिवाज आज का नहीं है, बरसों पुरातन है और महोबा के चंदेल वंश से लेके दुनिया के। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही कि इस बहाने लोगों का एक दूसरे से मिलना मिलाना होता था, तो लोग घरों पे अपने सौंफ पान सुपारी और अन्य तरीकों से लोगों का वेलकम करते थे। उन्होंने बताया ये बड़ी पुरानी परंपरा है और आज बुंदेलखंड की संस्कृति को हर वर्ष दशहरे पर जीवित भी रखती है। उन्होंने कहा कि कई लोग दशहरे के दिन जलेबी खाने को भी बड़ा शुभ मानते हैं। बुंदेलखंड में किसी व्यक्ति को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है या यूं कहें कि उसको किसी काम का बीड़ा दिया जाता है और वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, तो उसको बीड़ा खिलाकर यानी पान खिलाकर उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। वह व्यक्ति उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाता है। यहाँ की मान्यता के चलते पान को विजय सूचक भी माना जाता है। जो बीड़ा उठाता था कभी किसी जमाने में कोई कर्तव्य के लिए, वो बीड़ा को जो पान चबाता था वो उस बीड़ा को पूरा करता था। ये आला उदल के टाइम से, चंदेल वंश के टाइम से रहा और चंदेल वंश का साम्राज्य पूरे बुंदेलखंड में रहा एक जमाने। इसलिए पान की परंपरा, बीड़ा की परंपरा, जिसे आज हम लोगों ने पान की परंपरा बोला है, वो बीड़ा की परंपरा। दशहरे के दिन पान खाने की परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी है। यही नहीं, बीड़ा शब्द का भी अपना विशेष महत्व है, जिसे कर्तव्य के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत से जोड़कर देखा जाता है।